बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट हैक्स। सीक्रेट हैक्स में मैं आज आपके लिए हाथों और पाओ को फेयर करने का एक बहुत ही जबरदस्त फार्मूला लेके आई हूँ, जो की बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ये टेस्टेड भी है। इस फार्मूले को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड आपको बड़ी ही इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा और ये बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है। इसकी इतनी ज्यादा प्राइस नहीं होती, ये 110 रुपए का से आ जा ये इतना ज्यादा मिल जाता है कि ये स्किन के हवाले से भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा हमें बेकिंग सोडा चाहिए, हमें बेकिंग पाउडर नहीं चाहिए, हमें बेकिंग सोडा चाहिए। और आप ये भी देख लिया करें कि हम इसकी क्वांटिटी कितनी डालते हैं। हमने इसमें बहुत ही माइनर सा डालना है, बिल्कुल एक छोटी सी चुटकी डालनी है, जिससे आपकी स्किन के ऊपर कोई भी किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा डाल रहे हैं। तो आपने बेकिंग सोडा ले लेना है। इसके अलावा मुझे ग्लिसरीन चाहिए, कोई भी लोशन चाहिए, मॉइस्चराइजिंग लोशन हो जाए या फिर कोई क्रीम हो जाए, आप कोई भी क्रीम या लोशन जो है वो ले सकते हैं। एक साफ बॉल लेना है, 1 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा एक बॉल में डालना है। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा रख सकते हैं, जितना आपने यूज करना है आप इसको रख सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर से जितना भी वो जमा हुआ होता है पाउडर उसको मिक्स कर लेना है, ताकि कोई भी जब हम इसको तैयार करें तो कोई भी किसी किस्म का इसके बीच में लम्स ना रहे। बोरिक एसिड जो है वो ज्यादातर जो मेडिसिन है उसमें भी डाला जाता है, आंखों की मेडिसिन बच्चों के लिए आंखों में भी डाला जाता है, लेकिन उसकी एक क्वांटिटी होती है, वो हम ऐसे नहीं डाल सकते। लेकिन स्किन के हवाले से भी ये बोरिक एसिड जो है यूज किया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं स्किन के ऊपर लगाने के लिए, लेकिन आपने इसको अपने हाथों और पाओ के ऊपर ही लगाना है। फेस के ऊपर इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी कि फेस के ऊपर आप इसको लगाएं। आपने इसको हाथों और पाओ के ऊपर ही यूज करना है, अपने बाजू या फिर टांगों के ऊपर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लोशन या क्रीम हमने डालनी है 1 टीस्पून, जितना हमने बोरिक एसिड डाला होगा उतनी ही हमने क्रीम को डालना है। क्वांटिटी कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लें, इसको वीक में 1 से 2 टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक बार भी यूज कर लेंगे तो आपको इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। हमने लोशन के बीच में बोरिक एसिड को बड़े अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके बीच में 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन को ऐड करना है। 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन को भी ऐड कर लिया है। लोशन या क्रीम जो भी आप घर में यूज करती हैं, आपके घर में हो, आप वही डालें। बेकिंग सोडा ऑप्शनल है। अगर आप इसके बीच में बेकिंग सोडा को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसके बीच में बेकिंग सोडा को डालना है तो बिल्कुल तकरीबन इतनी सी आपने डालनी है, बिल्कुल एक पिंच से भी कम आपने बेकिंग सोडा इसमें के बीच में डाल लेना है और फिर इसको मिक्स कर लेना है। ये हमारा हाथों और पाओ को फेयर करने का फार्मूला रेडी हो चुका है। 5 मिनट इसको पड़े रहने देना है, उसके बाद हमने इसको अपने हाथों के ऊपर अप्लाई कर लेना है। पाओ के ऊपर आप इसको मसाज कर लें, हाथों के ऊपर कर लें, टांगों के ऊपर कर लें, कोहनियों के ऊपर कर लें, जिधर भी आपके ब्लैक बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर कर लें। आपने ज्यादा से ज्यादा इसको भर के लगाना है, इसको कम नहीं लगाना। और जब लगाने के बाद हमने इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। पांच मिनट मसाज करने के बाद आपने इसको हल्का सा ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट में क्या करना है। ये फार्मूला ना सिर्फ आपकी स्किन को फेयर करेगा, बल्कि आपकी अगर जिल्द एलर्जी को भी खत्म करेगा और के हाथों के ऊपर झुर्रियां आ रही हैं तो उनको भी खत्म करेगा। बहुत ही जबरदस्त ये फार्मूला है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मेरा हाथ जो है हल्का हल्का ड्राई हो चुका है, अब मैंने इसको हल्का हल्के हाथों से देखना है, ये बिल्कुल ड्राई हो गया, तो मैंने 5 मिनट बाद इसको वॉश कर लेना है। व्यूअर, जितने भी फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, आप उनको यूज करने से पहले उनका टेस्ट लाजमी
कर लिया करें, क्योंकि हर एक की स्किन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो टेस्ट करने से ये होगा कि आपको पता चल जाए कि आपको ये जो फार्मूला है वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन जितने भी फार्मूले मैंने आपको बताए हैं सब के सब टेस्टेड हैं और इसको हम यूज कर चुके हैं। तो अब मैं अपने हाथों को वॉश कर लूंगी। देखिए व्यूवर्स कितना ही जबरदस्त इसका असर जो है मेरे हाथ के ऊपर आया है। इसी तरीके से आपके पाओ के ऊपर भी इसका रिजल्ट बड़ा ही अच्छा आएगा। आप इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। व्यूवर्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।